क्या फैसला किया था? इस घर में पहले किसी को फैसले का इख्तियार मिला है कभी? नहीं चौधरी, जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ना कर बैठी होता। अब तुझे वो फैसला करना है, परी ने करना। मतलब दादा जान ने शर्त रखी, बॉल उसके कोर्ट में डाल दी। उसे कह के तुम बिल्लू को छोड़ दो तो मैं तुम्हारी माँ को माफ कर दूंगा। बिल्लू तू मेरी मान, तू परी को लेके चला जा यहां से, चला जा। क्या चाहते हैं आप कि दादा जान मेरा नाम भी ब्लैकलिस्ट में डाले? ये लिस्ट है, ब्लैक लिस्ट है, तेरी खुशी से ज्यादा अहम नहीं है पुत्र। लेकिन मेरी खुशी दादा जान की खुशी के साथ जुड़ी हुई है, ये बात क्यों भूल रहे हैं आप लोग? क्या करें, छोड़ देगा उसे? नहीं, वो छोड़ेगी मुझे। देख पुत्र, मैं मना लूंगा उसे, है? मेरी बात नहीं डालेगी वो। तू ऐसा कर, तू लेके हैदराबाद चला जा। अब्बा जी ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकते तेरे से। हद हो गई है वैसे। ये क्या पट्टी पढ़ा रहे हैं उसको? दुनिया का पहला बाप देखा है जो नूह और बेटे को घर से भागने का मशवरा दे रहे हैं। फिक्र ना करें आप, कहीं नहीं जाएगी मेरे साथ। हाँ, यही सोचा था सबों ने कि बाद में बाप को मना लेगी, तो क्या हुआ? तू भी बाप के उकसाने से किसी खुशफहमी में ना नहीं मारा जाएगा। ठीक है, ये तो फिर मरो अब्बा जी की तरह सारी जिंदगी इन्हीं बूहे बारियों के पीछे सिसक सिसक के गुजार देना जिंदगी। क्यों नहीं छोड़ेगा? इसकी मां ने सारे जहान की कालक मेरे मुंह पे पाल दी है और तू उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहता है? एक दो दिन में अपना मामला निबेड़ो और चली जाओ इस घर से। फैसले की डोर तेरे हाथ में, तू बस अपने दिल की मान ले। अब वो अगर दिल की बात मान ली ना तो सब सारी जिंदगी यही कहेंगे, जैसी मम्मा थी वैसे ही मैं। इसी दाग को तुम्हें धोना चाहती हूँ मामा। माँ तो चली गई बेटा तेरी इस दुनिया से, तू अपनी खुशी का सोच।
मैं हूं ना तुम दोनों के साथ। काश मैं इतनी खुदगर्ज हो सकती। तो फिर क्या सोचा तुमने? मजीद कुछ सोचने के लिए नहीं है मामू, वही करूंगी जो बड़े अंकल ने कहा। तेरी मां ने अपने वालदैन का दिल दुखाया है, इस गुनाह का कफारा अदा करना चाहती हो तो बोलो। तैयार हूं मैं, और बताए मुझे क्या करना होगा। इसको कहो तुझे तलाक दे दे। कुछ कर्ज ये जान से ज्यादा प्यारी चीजों से उतारे जाते हैं। तो मतलब तुमने अपनी जान से मार के बिल्कुल चौधरी भी फेंक दी। मेरी मम्मा की माफी सबसे ज्यादा है। मोहब्बत करने का गुनहगार तो हूं, एक्सेप्ट करता हूं, उसे छोड़ने का गुनहगार क्यों बना? मेरे उतने खून में वफा नहीं है, जिसको भी तिल के साथ लगाया है उसी ने सीने में खंजर उतारा है। ओए, अरे यहां क्यों सो रहा है? हमारी तो किस्मत ही सो गई है, अब कहीं भी लेट जाए इससे क्या फर्क पड़ता है। मेरे साथ वैसे नाराजगी बनती नहीं तुम्हारी। आपसे कहां नाराज हूं मैं, तो खुद से खफा हूं।
पारो सिचुएशन समझने की कोशिश करो यार। और ताऊ जी ने पूरे घर को बुल फाइटिंग का मैदान बना रखा है, हर बंदा एक दूसरे को टकरे मारता फिर रहा है। तू खुले सांड की तरह तू फिर रहा है हाँ? कहाँ फ्लाई कर रहा है? चला जाऊंगा कहीं ना कहीं। मामू आप यहाँ चुपके बैठे हैं? कौन पागल कमरे में बेड पर सबके सामने चुपके बैठता है? बड़ी फिलोसफी आ रही है। खैर कम विद मी आइए। व्हाई? वो वुड मार्केट वाले नहीं है, मेरा मतलब लकड़ मंडी वाले, उन्होंने आपके सारे राज एक्सपोज कर दिए, वो भी दादा ब्रो के सामने। ना कर। हाँ। वो भी है या चले गए? वो तो चले गए लेकिन काम पूरा कर गए। ये पासपोर्ट किसका है? वे मेरा, इधर दे। कहाँ जा रहे हो आप? क्यों इतना बड़ा हो गया अब तू पूछेगा मुझसे कि कहाँ जा रहा हूँ मैं? अपने काम से काम रखा कर। मामू मामू आपने देखा मुझे कैसे डांटी है मामू? मेरे बच्चे इधर आ जाओ। मामू बेचारा नहीं मेरी जान, मैं भी तेरे साथ ही हूँ। क्या हुआ? मैं आती नहीं हूँ मामू। कोई और ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास। क्या मतलब है कि कोई और ऑप्शन नहीं था तुम्हारे पास? अगर कोई और ऑप्शन ना हो तो इसका क्या ये मतलब है कि इंसान अपने गले पर खुली छुरी फेर ले? हैं? How stupid and silly! जाओ अभी फौरन जाओ और चौधरी दिलदार साहब से बात करके आओ। क्या करने जाऊंगा? बस जाओ, बताओ उनको जाके कि तुमने सारी रात गौर और फिक्र किया है और तुमको उनकी ये शर्त बिल्कुल नामंजूर है। नहीं, मैं ज़बान दे चुकी हूँ उन्हें। इसीलिए सारी जिंदगी तुम्हें समझाते रहे कि अपनी स्लिपरी ज़बान को अपने मुंह के अंदर ही बंद रखा करो। दादी जो होना था ना वो हो चुका है, अब आप चले मेरे साथ। कहाँ चले? चौधरी दिलदार साहब के पास? वकील साहब के पास। वकील साहब के पास क्यों चले? उला का केस करने। अच्छा, हम तुम्हें अपने जैसे स्टूपिड सिली डफल लगते हैं क्या कि हम तुम्हारे साथ चल पड़ेंगे? दादी सारी जिंदगी परी ने आपकी हर बात मानी है, आज आपको ये बात माननी पड़ेगी। फैसला हो चुका है और बस यही करना है हमने। हरगिज़ नहीं, हम बात करते हैं अभी शाकिर से। कोई फायदा नहीं उनसे बात करने का, बात अपना मेरी माँ पर आके रुक चुकी है दादी, और मम्मा की माफी से बढ़ के मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। कॉटन निकालना है मेरे। और डॉक्टर सावर जी, हाँ जी, वो कट्टे वाला इंजेक्शन तो नहीं लगा रहा कहीं? वैसे आपको लगाना तो वही चाहिए। हाँ? ये ले। मजाक कर रहा हूँ, अभी इंसानों वाला लगा रहा हूँ, थोड़ा सबर करे। अच्छा ये क्या कर रहा है भाई, पेड़े मार रहा है भाई जान। आपकी रगें चढ़ चढ़ के गुम हो गई हैं, ढूंढ रहा हूँ। अभी लगाया ही नहीं है, ये देखें। अच्छा होए तो लगा भी दे ना, सुबह से आपसे इंजेक्शन नहीं ठोका जा रहा। अच्छा वो मेरे बड़े भाईजान है, कोई दीवार थोड़ी कील ठोक के तस्वीर लगा दूं ऊपर। अच्छा तो लगा भी दे ना।
हाय रब्बा, ये चौधरी हाउस पे पता नहीं कौन सी नहुसत छा गई है। कौन की आया? ताऊ जी पहले इतने परेशान थे उन फुरारनों की वजह से, रही से कसर वो लकड़ मंडी वालों ने कट दिए। लोग नई तीली लगा दी है उन्होंने। हाय क्या बताऊं, अलफ से लेके ये तक स्टोरी सुना दी है। ताशी ने खुद इनकार किया है और कुर्बानी का बकरा बना दिया उनकी लड़की को। वैसे भाभी जी, जींस के हिसाब से ना उनका बकरा नहीं बनता, बकरी बनती है, वो भी टैडी वाली। मैं खसमानु खा गई तेरे जिनस ते बकरे ते बकरियां। अब क्या करें, ताऊ जी की तो फिरकी घूमी हुई है। डॉक्टर साहब जी, जाके बड़ी को ठंडा कर। भजन मैं कुछ चिल्लर एसी हूँ, जाके ठंडा करूँ? यार आजकल तेरी तरफ से ठंडी हवाएं आ रही हैं। वो तो तुसी बुखार चढ़ा ले अपने आप नु। ऐसा औरत भी सुन लो, बुखार को खुद चढ़ाता है अपने आप को। ले अब कौन आ गया? पता नहीं। अच्छी परी, प्यारी परी, हमारी बटरफ्लाई, अच्छे से सोच लो, अच्छे से सोच लो। आपकी जिंदगी का ये बहुत अहम फैसला है, प्लीज। मिस दिलशाद कहती हैं जब कोई फैसला कर लो तो फिर उस पर डट जाओ। मिस दिलशाद क्या ये नहीं कहती कि अगर कोई गलत फैसला कर लो तो ढिठाई से उस पर डटे रहने की बजाय थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखाते हैं? एक्सक्यूज मी बिल्लू बॉय, पास सुनिए, इधर आइए। हमारी परी को कुछ समझाइए, कह रही है कि लॉयर के पास जाएं। मर्जी है इसकी। ना हम यहाँ आते और ना ये सब कुछ होता। अच्छी परी, जब आप में हौसला ही नहीं है ये फैसला करने का तो क्यों कर रही हो? क्या करूं? क्या करूं? जहर खा के मर जाऊं या मीनारे पाकिस्तान से छलांग लगा लूं तब सुकून आएगा सबको? सुकून तो तब भी नहीं आएगा, तो अना की जंग है, इसमें हार जीत होती है, सुकून किसी को नहीं आता। परी परी कह रो आ रहे हैं, आ रहे हैं। सलाम अलैकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? हाँ मैं शुक्र अल्लाह का। ये तुम पासपोर्ट लेके घूम रहे हो, किधर की तैयारी है? जा किस्मत ले जाए। हैं? बड़े दिनों बाद आए आप। हाँ मैंने सुना है कि दिलदार की तबीयत खराब है, मैं कहा चलो उसकी खैरियत पूछा हूँ। ऊपर ही है। अच्छा और दिलदार है, इतना कुछ हो गया और तुमने एक फोन करना गुवारा नहीं किया? क्या परेशान करता तुम्हें भी काले मार मार के? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी गेम कर दी इन दो अकेली औरतों ने और किसी को पता भी नहीं चला। जब घर में ही मीर जाफर पैदा हो जाए तो फिर बेशक बुनियादें खोद के सारा घर गिरा दो,
क्या पता चल रहा है किसी को? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि मैं तुम्हें क्या मशवरा दूं। ओ छोड़ इस बात को, तू बता बच्चियां किधर हैं? तूबा को तो मैं यूनिवर्सिटी छोड़ आया हूँ, उसका बड़ा हर्ज हो रहा था तालीम का, और पारो डिफेंस वाले फ्लैट में है, कल शिफ्ट हो गया था ना मैं वहाँ। तो इस घर का कितना को काम रह गया? नहीं वो काम तो खैर उसका हो गया है, पर मैं सोच रहा हूँ कि इस घर को बेच ही दो। क्यों? अब देखो ना, कुड़ियां ब्याहने के बाद इतने बड़े घर में मैं क्या करूंगा, मेरे लिए वो फ्लैट ही ठीक है। पारो के रिश्ते का क्या बना? दिलदार, जब औलाद खुद सर और मुंह जोर हो जाए ना, तो फिर वालदैन उनके लिए कुछ भी नहीं बना सकते। सब ठीक तो है? ताऊजी आपने बुलाया? और तुमने ये लकड़ मंडी वालों की लड़की से क्या बकवास की यार? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम्हारे फरिश्तों से नहीं पूछ रहा। ताऊजी मुझे वहां शादी नहीं करनी। ओए और किस हूर परी के साथ करनी है तुमने शादी? वक्त आने पे बता दूंगा। लो अभी वक्त है इस बुढ़े लड़के के पास, हद हो गई है, और 14-15 दिन इसकी शादी ना हुई तो इसने एक्सपायर डेट दूल्हा हो जाना है। और बैजा बैजा हौसला कर, सब ठीक हो जाएगा। ये बता कि बिल्लू कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? पासपोर्ट देखा है मैंने उसके हाथ में। पासपोर्ट? प्रॉब्लम क्या है तेरे जैसे आशिकों के साथ? अब तू भी कोई जहरीली बकवास मत करना मेरे साथ। एजेंट को पासपोर्ट किस खुशी में देकर आया? ब्रो मुझे अब यहाँ नहीं रहना। ओए मैदान छोड़कर भागेगा गीदड़ की तरह? तो और क्या करूं, खाली मैदान में खुद के साथ सींग फंसा के बैठ जाऊं। शोभी मेरे में हिम्मत नहीं है किसी अपने के साथ लड़ने की। देख बिल्लू एक काम कर, अपने दादा जान से बात कर। तेरा क्या ख्याल है? बात नहीं की होगी मैंने, मार खा ली, धुतकार सहली, बेइज्जती बर्दाश्त कर ली, और क्या करूं? अरे वाह, तू तो कहता था कि वो जान देते हैं तेरे पे। देते हैं जान, लेकिन जान लेते भी हैं। पता चला है मुझे दादा जान को अपनी अना बिलड़े से भी ज्यादा प्यारी है। तो एक काम कर, भाभी से बात कर, स्टैंड ले वो तेरे लिए। स्टैंड ले तो लिया है उसने। माफीनामा मिल जाएगा उसे जब मेरे मुंह पे खुला का नोटिस मार देगी। देख बिल, दिस इज नॉट फेयर।
क्यों घूर रहे हैं जैसे हमने आपका कोई कर्ज अदा करना हो? बात सुनिएगा, हमें असल में आपसे कुछ जरूरी बात करना थी। आइए तशरीफ लाइए। चलो अच्छी परी, अपने कमरे में जाओ। शाबाश। मुझे कसम खा के बता, ये पट्टी तुझे परी ने पढ़ाई है ना, दुबई जाने वाली। इतनी अकलमंद तो अपनी दादी की बातों में आके यहाँ आती है अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। तो तूने अकेले कैसे फैसला कर लिया कि तू दुबई जाके बिजनेस करेगा? दिमाग से नहीं, दिल से फैसले करता है बिल्लू चौधरी। दिल के फैसलों की वजह से तो खुआर हो रहा हूँ। ताऊ जी की इतनी सी बात नहीं मान सकता, सगे माँ बाप से ज्यादा प्यार किया उन्होंने तुझे। हाँ तो मैंने भी उनकी सारी जिंदगी माँ बाप से बढ़ के फरमा बरदारी की है, जब उन्होंने हुक्म किया सर झुकाया मैंने। कौन से आसमान से तारे तोड़ के ले आया तू? चांद तारे तोड़ना तो इससे कहीं ज्यादा आसान था। दादा हुक्म तो करते बिल्लू को, मैं ढेर ना लगा देता तो बात करते। ओए अपने पास रखो अपने चांद तारे। तेरे इनकार की वजह से उस लड़की का एहसान लेना पड़ा है मुझे। उस एहसान की इतनी बड़ी कीमत भी तो अदा कर रही है वो। तुझे क्या तकलीफ थी? क्योंकि मैं आपकी तरह किसी नाकर्दा गुनाह की सजा नहीं भुगतना चाहता सारी जिंदगी। निकाल दिया था ना आपने फूफो को दिलो दिमाग से, फिर भी सुकून मिला आपको क्या सारी जिंदगी? नहीं ना। बल्लिया मेरी बर्दाश्त का इतना बड़ा इम्तिहान ना ले। सिर्फ एक हफ्ता बर्दाश्त करने हम बिल्लू चौधरी को। एक हफ्ते बाद सारी जिंदगी अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा बिल्लू चौधरी आपको। स्ट्रेट आप सब ठीक हो जाएगा, उस लड़की को जा लेने दे। आंखो जल पहाड़ो जल, इसको मैं फिर देख लूंगा। मलका जी आपकी दास्तान गम सुन के मेरी तो आंखों में आंसू ही आ गए। नजर तो नहीं आ रहे। बाज आंसू जो है ना वो सीधे दिल पे गिरते हैं, नजर नहीं आते। हाँ जी, पर ये नौटी दिल के ही मामलात हैं जिनकी वजह से ये सारी सूरत हाल पैदा हो गई। जी बहरहाल आप फरमाए कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता। ये जो आपके दोस्त हैं चौधरी दिलदार साहब, और इनके दिल के अंदर जो इतना अलाव जल रहा है आग का, इसको जरा वाटर वाटर कीजिए। आप ये कहना चाहती है कि मैं दिलदार से बात करूं? एग्जैक्टली। आप अपने दोस्त को ये समझाइए
के मरने वाले तो उनकी नफरत का दुख लेकर यहाँ से चले गए, तो अब जो निर्णय है कमल कब उनको तो जी लेने दे सकून से। कोशिश करता हूँ, वैसे काम बड़ा मुश्किल है। माफ कीजिएगा, मुश्किल काम सिर्फ वही होता है जो इंसान करना ना चाहे। भाई मलका जी तो हर एक को अपनी रियाया समझ के ट्रीट करती हैं। तुम्हारी जिंदगी की खुशियों से ज्यादा अहम नहीं होना चाहिए बड़े अब्बा की ईगो का पहाड़। अहम है उनके लिए, इसीलिए तो सगी बेटी की मौत की खबर भी उनका दिल नहीं बदला सकी। लेकिन तुम किसी उजलत में ना करना फैसला। ये तुम कह रही हो तो सारी जिंदगी बेसब्र रही। हाँ, पिछले 8-10 दिनों ने ये तो समझा दिया कि जबरदस्ती किसी के दिल में जगह नहीं बनाई जा सकती, और इन मामलों में किसी का भी जोर नहीं चलता। तुबा, कहीं तुम्हारा दिल दुखाने की सजा तो नहीं मिली मुझे? ऐसी बात नहीं है, हम सबको अपने अपने हिस्से का जन्म काट कर असल खुशियां मिली, तभी तो उनकी कदर होती है। लेकिन मैं तो दो कश्तियों का सवार हूँ, जिसकी किस्मत में शायद दरबदर रहना ही लिखा है। ये दुबई वाला रास्ता इसके बाप ने दिखाया इसे। बाप तो खुद बुखार में तप रहा है कल से, और बिलाल ने झांक के नहीं देखा कमरे में। तो फिर तुमने या ताशी ने पट्टी पढ़ाई होगी? तौबा करें अब्बा जी, मेरे पास भला कहां टाइम है ये पट्टियां पढ़ाने का। समझता है दादे को, इमोशनल ब्लैकमेल काट लेगा। तो कौन सा कुछ गलत समझता है, ऐसे ही है। ऐसी भी कोई बात नहीं, दिलदार जब अपनी आई पे आ जाए तो फिर अपनी भी नहीं सुनता। तो वो कौन सा सुन रहा है, वो भी तो आपकी कॉपी है, आप ही को फॉलो कर रहे हैं। दादा ब्रो, ये ब्रो का कोई कोरियर आया है क्या? है इसमें आंखें हैं, एक्सरे मशीन थोड़ी, खुद देख ले। बंटी मुझे दे।